1984 के सिख विरोधी दंगा केस में दोषी सज्जन कुमार ने कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने उसे मंडोली जेल भेज दिया है। कोर्ट ने सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें अलग वैन से जेल ले जाने के आदेश दिए। मैं 34 साल बाद सानू जड़ी माड़ी जी किरण मिली आशा दी गल अज तक ये जड़ा सानू होया अज तक ते सरकारा दोषी उन्हूं मंदिया ही नहीं सी इत्थे तक कि सरकारा ने जड़ा जजमेंट दे विच दस्या पोलिटिकल पैटर्न एज दस्या जजमेंट च लिखा होया और 1947 का मंजर दस्या फिर दिल्ली पुलिस का रोल दस्या अज तक ते कोई भी जज ने दस्या ही नहीं इसे जजमेंट से पहली दफा है। मैं बहुत खुश हाँ घट्टो घट ये नंगे तो है असलियत तो सामने आई कि लोकी 34 साल तो किदा बचते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को सज्जन को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में 10-10 साल की सजा पाए पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर ने कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर किया। ये मामला 1 से 2 नवंबर 1984 में पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट 1 में 5 सिखों की हत्या से जुड़ा है। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए हाईकोर्ट से 30 जनवरी तक का वक्त मांगा था लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। याचिका में सज्जन ने दलील दी थी कि पारिवारिक मसले खासतौर से प्रॉपर्टी के मामले सुलझाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट नवोदय टाइम्स।